Hansavagini Viladharini, Hansavagini Viladharini, Himana Ganandini Jagata Kalyani, Himana Ganandini Jagata Kalyani, Jagata Janani Mata. Mata Saraswati Sharada, Mata Saraswati Sharada, Saraswati Sharada. Sharada, 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 Mata Saraswati, Sharada. Good morning, my dear brothers and sisters. आज हम लोग देखेंगे indirect method. और जो FM generation में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, FM generation के direct method देखे थे. आज हम लोग indirect method देखेंगे, जिसको हम लोग Armstrong method भी बोलते हैं. ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है. देखो, जहां तक आपको याद है कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में एक एलसी ऑसिलेटर का यूज कर रहे थे, है ना, एलसी ऑसिलेटर का यूज कर रहे थे डायरेक्ट एफएम में. तो भाई वो क्या होता है, वो एक स्टेबल, मतलब कि एलसी ऑसिलेटर से जो सिग्नल बनता है उसकी वो स्टेबल सिग्नल को जनरेट नहीं कर पाता है. मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी आपकी इससे एलसी ऑसिलेटर से नहीं आती है. मतलब कि जैसे कि अगर आप जैसे 98.3 एफएम सुन रहे हो, है ना, या कोई और सुन रहे हो, है ना, तो हो सकता है जब एलसी ऑसिलेटर से जनरेट करें तो हो सकता है कि भाई कि ये हो जाए कि कभी 98.3 जनरेट कर रहा है वो, कभी 92.7 पे पहुंच गया, 92.7 दूसरा स्टेशन पे पहुंच गया. मतलब ऐसे कहने की बात यह है, कभी 98.3 कर रहा है, कभी 98.1, कभी 98.5, कभी 98.7, इस तरीके से वो, मतलब कि वो हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी नहीं होती है. तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में ये जो एलसी ऑसिलेटर का यूज़ करते थे टैंक सर्किट का, उसको अवॉइड करते हैं. तो उसकी जगह पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर. क्रिस्टल ऑसिलेटर में लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ जाती है क्रिस्टल ऑसिलेटर में, कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं बना पाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही ये बना पाता है क्रिस्टल, लेकिन स्टेबल बहुत बनाता है, है ना. जितना भी बनाएगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी का बनाएगा, स्टेबल बनाएगा. तो क्या होता है कि हम लोग लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग फेस मॉड्यूलेट करते हैं. एक इनकमिंग सिग्नल होगा, उसको हम लोग फेस मॉड्यूलेट करेंगे. अब हम उसमें भी फेस मॉड्यूलेट करने में भी एक ट्रिक लगाएंगे कि हमें फेस मॉड्यूलेटेड वेव नहीं मिलेगी, एफएम वेव मिलेगी. वो अभी ट्रिक मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. फेस मॉड्यूलेटेड में फेस, तो एक्चुअल में उसके बाद क्रिस्टल ऑसिलेटर जो जनरेट हुआ, उसके बाद हम उसको एक समझ लो एक फेस मॉड्यूलेटर पर जाते हैं, उसको फेस मॉड्यूलेट करेंगे. फिर उसके बाद लेकिन अभी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी तो हमारी जो है वो बहुत छोटी है, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करता है, ठीक है. तो लेकिन अब हमें करना क्या है कि वो जो छोटी कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको हमें अपने रिक्वायर्ड बैंड में शिफ्ट करना है. तो क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डबलर, फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर का यूज़ करके. जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी कितनी, मान लो उसने 0.5 मेगाहर्ट्ज जनरेट कर रहा था. 0.5 मेगाहर्ट्ज से हमें 98.3 पे जा पहुंचाना है, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या करा, 0.5 से ऐसे ग्रुप ऑफ बहुत सारे डबलर ट्रिपलर लगा दिए, ठीक है, बहुत सारे डबलर ट्रिपलर लगा दिए. तो हमारा क्या बन गया, 98 तक बन गया, 98 मेगाहर्ट्ज बन गया, 98 डबलर ट्रिपलर हम लोगों ने बहुत सारे लगा दिए. तो हो सकता है कि मतलब कुछ करके क्या हुआ कि डबल ट्रिपल, तो क्या हुआ, इसका डबल हो गया, 0.5 का डबल हो गया,
है ना, 0.5 का डबल 1 हो गया, 1 का डबल 3 हो गया, फिर हमने लगा दिया डबलर, तो 3 का वो 1, फिर 3, 6 हो गया, 6 के बाद फिर हम लोगों ने ट्रिपलर लगा दिया, 18 हो गया। इसी तरीके से करते करते हम लोग आगे तक चलते गए, मतलब कुछ भी कर कर करके हम लोग को हमें रिक्वायर्ड 98.3 पे पहुंचानी है, ठीक है। तो अब लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि डबलर और ट्रिपलर से काम नहीं चलता है। अब जैसे 90, मान लो हमें किसी तरीके से 98 मेगाहर्ट्ज़ मिल गया, तो अब अगर हम डबलर लगाएंगे या ट्रिपलर लगाएंगे तो 98 से बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, है ना। तो डबलर ट्रिपलर से अब काम नहीं चलेगा, हमें अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, मिक्सर की। मिक्सर में क्या होगा, एक हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, एक तरफ हमने 98 मेगाहर्ट्ज़ लगा दिया, है ना, और है ना ये समझ लो मिक्सर है, और एक तरफ हमने लगा दी 0.3 मेगाहर्ट्ज़ की, तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में पहले हम लोग एक नैरो बैंड, देखो इस यहाँ पे दो स्टेप में लिखा हुआ है, तो 98.3 मेगाहर्ट्ज़ भी मिल सकता है इसमें, और 97.7 मेगाहर्ट्ज़ भी मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, इसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, और हम 98 पॉइंट, दोनों सिग्नल जाएंगे, तो 98.3 हमें चाहिए था, तो 98.3 को मेगाहर्ट्ज़ को इसमें से फिल्टर आउट कर लेंगे, क्योंकि बैंड पास फिल्टर की हम लोग सेंटर फ्रिक्वेंसी 98.3 के आसपास रखेंगे, ठीक है। तो आपकी, तो इसलिए 98.3 वाले को ही फिल्टर आउट कर देगा। इसी तरीके से तो हम लोग इस पूरे जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें हम लोग डायरेक्टली चेंज मतलब नहीं बना रहे हैं एफएम सिग्नल को, इसमें हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि फेस मॉड्यूलेटेड वेव बना रहे हैं, अब हम लोग उसमें एक ट्रिक लगा दे रहे हैं कि फेस मॉड्यूलेटेड भी हमें एफएम ही दे रहा है। अब वो ट्रिक क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं 5-2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा पहले हम लोग नैरो बैंड एफएम बनाएंगे, ठीक है, और किसका यूज करके, फेस मॉड्यूलेटर का यूज करके, नैरो बैंड एफएम बनाएंगे और फेस मॉड्यूलेटर का यूज करके बनाएंगे, और इसमें हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करेंगे जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है उसके लिए। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग ने नैरो बैंड एफएम बना लिया, वो लेकिन छोटी फ्रीक्वेंसी पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मल्टीप्लायर या मिक्सर का यूज करके, मल्टीप्लायर का मतलब डबलर या ट्रिपलर, डबलर ट्रिपलर से ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं, अभी हम लोग वो सब भी डिस्कस करना है हमें, ठीक है। लेकिन अभी आप एक ऐसे इंट्रोडक्शन में देख लो कि हम लोग पहले नैरो बैंड एफएम बनाएंगे, इसमें पूरा दो काम करना है हमें बस, खाली पहले नैरो बैंड एफएम बनाना है यूजिंग फेस मॉड्यूलेटर, ठीक है, फिर हमें फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर मिक्सर का यूज करके उसको हमें जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है फ्रिक्वेंसी डिविजन की या कैरियर की या मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, उसको हमें वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करके, मिक्सर का यूज करके, फ्रीक्वेंसी मिक्सर्स का यूज करके, या जो भी फ्रीक्वेंसी डिविजन चाहिए, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी चाहिए या जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए, उस हिसाब से हमें उसको पहुंचाना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एफएम, इसको क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट एफएम, क्योंकि इसमें हमारा फेस मॉड्यूलेशन पहले करते हैं और फिर उसके बाद से हम उसमें से एफएम निकालते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लायर और ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग नहीं बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली एफएम नहीं बना रहे जैसे हम लोग डायरेक्ट एफएम में बनाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड एफएम भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन बोलते हैं। चलो इसमें फेस मॉड्यूलेशन का यूज करा जाता है, और कोई नया पॉइंट जो मुझसे बच गया हो इस पेज पे लिखा हो बताने में। फेस ऑफ द कैरियर इज डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड इन द कंबाइनिंग नेटवर्क थ्रू समेशन जनरेटिंग इन डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फेस डायरेक्शन इज डायरेक्टली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ वो सब बता दिया मैंने, ठीक सब बता दिया मैंने इस जो पेज पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें एफएम जनरेट करना है यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। एक नीचे आपके, अभी मुझे मालूम है आप लोगों ने अभी फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ, नीचे आपकी लिखी हुई है। तो फेज मॉड्यूलेशन में एक्चुअल में होता क्या है, जो देखो ये चीज आपका पूरा इंस्टेंटेनियस एंगल, अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखें, मान लो अभी खाली यही लिख रहे हैं,
कोई भी इक्वेशन हो, मैं उससे कोई मतलब नहीं, तो इसको उसका जो इंस्टेंटेनियस एंगल होता है वो उसको हम लोग ये अंदर इस वाली इक्वेशन का लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। ये तो हमने एंगल मॉड्यूलेशन जब शुरू करा था क्लास तभी हमने बताया था, ठीक है, KPMT। तो हम लोग इसके फेस को किस तरीके से लिखते हैं, फेस को लिखते हैं जो मतलब कि फेस डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे फाई टी से। फाई टी का मतलब क्या है, फेस डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। तो ये जो फेस डेविएशन है इसमें KPMT है, यही चीज होती है हमारे फेज मॉड्यूलेशन में। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो फेज में डेविएशन हो रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे मैसर सिग्नल के, है ना। तो ये अगर हम कहें कि किसी भी, अगर हम पहले अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था लेकिन हम किसी तरीके से जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के में जो हम लोग जो फेस है विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, अगर हम उसको वेरी करा दें विद रिस्पेक्ट टू मैसर सिग्नल, तो हमारा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की जो वेव थी वो क्या बन जाएगी, फेस मॉड्यूलेटेड कैरियर की वेव बन जाएगी, ठीक है। तो वो फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगा। तो फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है कि जो फेस होता है वो हमारा मैसर सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी हमारी जो वो होती थी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वो मैसर सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होती थी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता था वो हमारा मैसर सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था होता था। तो इसमें जो फेस हो रहा होता है वो हमारा मैसर सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फेस डेविएशन है, फेस डेविएशन इसको आप चाहे तो लिख भी लो फेस डेविएशन। ये फाइव टी किसको डिनोट कर रहा है, फेस डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, यहाँ पे अनमॉड्यूलेटेड कैरियर दिख रहा है ना नीचे वाला। और तो हमें क्या पता चल गया कि फाइव टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने फेस मॉड्यूलेशन का दे दिया। अगर हम किसी तरीके से कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि जिसका फेस जो हो रहा है, जो आउटपुट सिग्नल जो आ रहा है उसका जो फेस है विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, जो फेस है विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वो हमारा मैसेज सिग्नल जो हम लोगों ने भेजा है उसके डायरेक्टली उसी के डायरेक्ट मतलब उसी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अगर हम ये किसी तरीके से दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो है सर्किट वो हमें फेस मॉड्यूलेटेड वेव दे रही है, ठीक है ना। अगर हम कोई जैसे कोई हम लोग मान लो ब्लॉक डायग्राम या कोई सर्किट हमने बनाया और हमने आउटपुट में जो सिग्नल पाया उसका जो फेस है ये फाई टी, एक तो उसमें सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी ये, है ना, और जो बचा खुचा जो फेस है ये फेस डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। तो ये जो फेस है ये हमारा एमटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मतलब एमटी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर हम ये प्रूव कर दें तो हम कह देंगे कि जो आउटपुट जो सिग्नल है वो फेस मॉड्यूलेटेड वेव है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी देर में प्रूव भी करने वाले हैं यही चीज को, ठीक। तो अब क्या करो यहाँ पे कि हमें काम क्या करना था कि हमें अब तो ये हमने फेस मॉड्यूलेटेड बना लिया लेकिन अब हम FM कैसे बनाएंगे फेस मॉड्यूलेटेड। अब दोनों की इक्वेशन को देखो, ये आपकी लिखी है FM की इक्वेशन, ये लिखी है आपकी फेस मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन। अब आप एक चीज देखो इसमें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सामान्यता है कि ये इक्वेशन ये ऐसी बस खाली एम्प्टी सिग्नल का इसमें इंटीग्रेशन हो जा रहा है और ये इसमें सीधे सीधे फेस में आ जा रहा है। इसमें फेस में क्या आ रहा है, एम्प्टी सिग्नल का इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो हमें मान लो इस सिग्नल को हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना है और हमारे पास क्या है, फेस मॉड्यूलेटर है। तो फेस मॉड्यूलेटर हम इसमें भेजेंगे, फेस मॉड्यूलेटर में भेजेंगे, आउटपुट में जो फाइव टी आएगा वो KPMT आएगा, है ना, यही तो आएगा। अब हमको क्या करना है, हमको थोड़ी सी ट्रिक लगा दे रहे हैं। ट्रिक क्या लगा दे रहे हैं, हम लोग फेस मॉड्यूलेटर में वैसे ही भेज रहे हैं लेकिन हम एमटी नहीं भेज रहे हैं, हम एमटी का इंटीग्रल भेज रहे हैं, 0 to t एमटी
डी टी। हम एम टी का इंटीग्रल भेज दें, हम एम टी की जगह पे एम टी का इंटीग्रल भेज दे रहे हैं, तो आउटपुट में जो फेज आएगा वो क्या आएगा? आउटपुट में फेज जो होगा वो के पी 0 to t एम टी डी टी। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो लगभग लगभग इसी तरीके से बन जाएगी ना, जैसे जैसे ये इक्वेशन थी, जैसे एफएम की इक्वेशन है, वैसे ही हमारी ये बन जाएगी, क्योंकि हमने एम टी का इंटीग्रेशन बन रहा है हो रहा है, तो हमें फेस में एम टी का इंटीग्रेशन चाहिए था बस खाली, और तो हमें फेस मॉड्यूलेटर से जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये एम टी के रिस्पेक्ट में एफएम वेव है, एफएम वेव है किसके रिस्पेक्ट में? एम टी के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम इंटीग्रल ऑफ एम टी डी टी के बोले, जैसे कि इसको मान लो एम टू टी लिख ले रहे हैं, तो एम टू टी के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ये अभी भी हमारी पीएम वेव है, क्योंकि आउटपुट में क्या आ रहा है? केपी। आउटपुट में क्या आ रहा है? फाइव टी इक्वल टू केपी एम टू टी। ठीक है, तो एम टू टी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हम हमारी ये अभी भी जो भी इसको इंटीग्रेशन करके जो मैसेज सिग्नल बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये अभी भी फेस मॉड्यूलेटेड वेव है। और अगर हम एम टी के रिस्पेक्ट में देखें, तो जिसका इंटीग्रेशन करा है हम लोगों ने, तो उसके रिस्पेक्ट में ये एफ एम वेव है। ठीक है, बस खाली ये फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव और के एफ और के पी अलग अलग चीजें होती हैं। अरे यहाँ पे समझ लो ये पूरा कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, समझ वो कुछ कांस्टेंट ऑफ जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी बोलते हैं, उसमें फेज सेंसिटिविटी है, उनकी अलग अलग वैल्यू हो जाती है, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट होगा, जितना भी कांस्टेंट बन रहा होगा, उसको हम लोग फेज सेंसिटिविटी या फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी बोल देंगे। ठीक है, तो उससे कोई मतलब तो है नहीं। अगर जैसे कि जितना भी कांस्टेंट बन रहा है बनेगा केपी, तो उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हम उसको कह देंगे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी हो रही है ना, तो उससे कोई मतलब है नहीं। कांस्टेंट कुछ भी बने, वो तो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी या फेज सेंसिटिविटी की कुछ भी वैल्यू हो। मेन बात हमारा क्या करना था? हमें करना था कि इंटीग्रल हमें फेस मॉड्यूलेटर से हमें एम टी आ रहा था, हमें किसी तरीके से उसको इंटीग्रेशन कर देते तो हमें एफ एम वेव मिल जाती। अब आप लेकिन लोगों को सब सोच रहे होंगे कि यहाँ तो के पी था, तो के पी की कुछ वैल्यू होगी, मान लो जैसे कि 10 है ना, और हम लोगों ने यहाँ पे भेजा एम टी डी टी, और यहाँ पे आ गया 10 टाइम्स ऑफ 0 to t एम टी डी टी, तो यहाँ पे फेस बन गया 10 टाइम 0 to t एम टी डी टी, ये बन गया ना। अब तुम कहोगे कि के पी की वैल्यू 10 थी, तो अब के एफ की वैल्यू क्या होगी? के एफ की वैल्यू सीधे हो जाएगी 10/2 पाई। उससे क्या मतलब? वो तो कांस्टेंट है ना, है ना, कांस्टेंट से क्या, वो तो अपने आप एडजस्ट हो ही जाता है ना। तो कांस्टेंट से रिलेशन, मेन काम तो हमारा सिग्नल तो यही था ना कि इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एम टी डी टी आना चाहिए था। तो 0 to t एम टी डी टी आना चाहिए था, तो हम इस तरीके से हम लोग एक ट्रिक लगा के कि एम टी को सीधे ना भेज के हम लोग उसका इंटीग्रल भेज देते हैं, तो हम लोगों को फेस मॉड्यूलेटर से ही एफ एम मिल जाता है। कहने की बात ये है टोटल। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो हम लोग एम टी को क्या करेंगे, पहले एम टी को पहले एक इंटीग्रेटर से पास कर दो, है ना, इंटीग्रेटर से पास कर दो, उसके बाद हम उसको फेस मॉड्यूलेटर से पास कर दो, और हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट में? एफएम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग फेस मॉड्यूलेटर को ही यूज करेंगे करेंगे और आउटपुट आउटपुट में हमें बस खाली एम टी को पहले इंटीग्रेटर से पास कर देंगे, तो हमें एफएम मिलेगा। नेक्स्ट काम ये देखो, जो हमें इनडायरेक्ट मेथड या आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड है, उसका पूरा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी ब्लॉक डायग्राम। तो एक जैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन जितनी प्रोवाइड करेगा बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। तो हम लोगों ने ले लिया क्रिस्टल ऑसिलेटर, फिर हम लोगों ने एक बफर रखा, ले लिया
बफर का कुछ काम नहीं, बस खाली थोड़ी देर तक उसको रखे रहना। जो भी सिग्नल ये क्रिस्टल ऑसिलेटर बना रहा है उसको थोड़ी देर तक रखे रहो अपने पास, मतलब थोड़ा टाइम के लिए, तो उसको स्टोर कर लो, है ना। फिर हमारा बफर से जो आउटपुट आया उसको हम लोगों ने 90 डिग्री फेज शिफ्ट करा। तो मान लो जैसे कि यहाँ पे आपका आ रहा था AC cos ऑफ ओमेगा CT, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC साइन ऑफ ओमेगा CT। ठीक, तो यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट आ रहा था वो हम लोगों ने उसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जा रहा है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसे कि मान लो हमारा MT जा रहा है ना, तो MT जा रहा है, ये इंटीग्रेटर है, और ये इक्वलाइजर कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें M1T मिल रहा है, और M1T की वैल्यू क्या है, M1T इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से T MT dt। ठीक है, तो ये हमारा M1T क्या है, वो हमारा इंटीग्रल है इस खाली MT का। ठीक है, यहाँ पे हमें M1T मिल रहा है। तो हम अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये M1T का फेस मॉड्यूलेट कर रहा है, तो MT के हिसाब से पूरा FM वेव बना रहा होगा। अगर हम जैसे ये प्रूव कर दें कि M1T का फेस मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ पे मिल रही है, तो MT के साथ MT के रिस्पेक्ट में यहाँ पे FM वेव मिल रही होगी, यही तो होगा ना, क्योंकि M1T क्या है, वो MT का इंटीग्रल है। तो अगर M1T के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फेस मॉड्यूलेटेड वेव मिल रही है, तो MT के रिस्पेक्ट में यहाँ पे FM वेव मिल रही होगी। हमें खाली प्रूव इतना करना है कि जो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है उसका फेस जो है वो हमारे M2T के हिसाब से बदल रहा है, M2T सिग्नल के हिसाब से बदल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो कांस्टेंट KP और कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, हमें बस खाली इतना प्रूव करना है कि जो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा होगा, है ना, उसका फेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M2T के। अगर M2T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि जो इसका फेस है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 0 to T M1 MT dt। ठीक है, M2T नहीं, यहाँ पे M1 है, मैं बार बार M2 लिख देता हूँ यहाँ, मतलब फेस जो है वो M1T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M2T तो कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो M1T के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, तो मतलब कि ये फेस मॉड्यूलेटेड वेव होगा विथ रिस्पेक्ट टू M1T, और मतलब और लेकिन अगर इसकी रिस्पेक्ट में देखें, तो क्योंकि ये M1T को हम ले सकते हैं 0 to T MT dt, तो ये हमारा जो फेस है वो इसके इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ये MT का रिस्पेक्ट में यहाँ पे FM वेव आ रही होगी। ठीक है, हमें यही काम करना है, हमें बस खाली प्रूव कर देना है। तभी मैं तुम्हारे सामने प्रूव कर दूंगा कि ये जो इसका फेस है वो इसके प्रपोजल है, और ये पूरा पूरा फेस मॉड्यूलेटर है। फिर फेस मॉड्यूलेट करने के बाद हम लोगों ने क्या करा है, ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर यूज करे हैं, मिक्सर यूज करिए जितनी फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़े उस हिसाब से हमें ऐड और माइनस करने के लिए, ताकि हमें जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वहां तक पहुंचा सके। ठीक है, क्योंकि अभी FM वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, मतलब सेंटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर ज़्यादा ज़्यादा हम लोग 1 MHz से ज़्यादा ऊपर की फ्रीक्वेंसी नहीं उसमें भी यूज बनाते, तो यहाँ पे हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो रही होगी, जो भी वेव होगी उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको डबल ट्रिपल ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद जब डबल ट्रिपल करने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा जो स्टेप फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मिक्सर का यूज़ करके, फिर अगर थोड़ा बहुत और मल्टीप्लायर की जरूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर हम लोग पावर एम्पलीफाई करके उसको एंटीने में पास कर देंगे और ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा FM सिग्नल इस तरीके से पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो अब हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट मेथड। अब हम लोग एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि ये फेस मॉड्यूलेटर है भी कि नहीं, ये कैसे है फेस मॉड्यूलेटर जो हमने सर्किट बनाया है, और ये मल्टीप्लायर किस कैसे काम करते हैं, ये मिक्सर कैसे काम करता है ना, कैसे मतलब कैसे जोड़ता है, और मल्टीप्लायर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल या ट्रिपल कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो पहले हम लोग इसी पे ही देख लेते हैं कि फेज मॉड्यूलेटर कैसे काम कर रहा है। चलो वही डायग्राम है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो एक चीज देखो कि ए पे जो फ्रीक्वेंसी जो ये कैरियर जनरेट कर रहा है उसको हम लोगों ने माना ए सी वन कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। इसका हमने फेजर डायग्राम बनाया उस तरीके से बनाया, ठीक है। फिर इसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो बी पे जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया वो इस तरीके से बनाया क्योंकि 90 डिग्री का अब ये फेज शिफ्ट हो चुका है। 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया इस तरीके से, ए सी वन साइन ऑफ ओमेगा सी टी ये हो गया। फिर बी के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, ये एम टी सिग्नल था और ये आपका था एम वन टी यहाँ पे, ठीक है। अब एम वन टी और बी वाले भाई साहब आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई होंगे। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है, सीधे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है। तो इससे क्या मिलता है हमें, डबल साइड में सप्रेस्ड कैरियर मिल रहा होता है ना। हम लोगों ने एएम में देखा था ना बैलेंस मॉड्यूलेटर को, प्रोडक्ट ये सीधे सीधे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जैसा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम लोग वही काम करने जा रहे हैं भाई, तो करो ठीक। तो अब यहां पे क्या होगा, ए सी वन एम वन टी साइन ओमेगा सी टी, क्योंकि यहां से एम वन टी आ रहा था और यहां से क्या आ रहा था, ए सी वन साइन ऑफ ओमेगा सी टी। देखो मैंने साइन ए सी वन क्यों लिखा है, एक्चुअली ये फर्स्ट कैरियर है, मतलब कि चाहे तो मुझे यहाँ भी ओमेगा सी वन लिखना चाहिए था एक्चुअल में, है ना, ओमेगा सी वन यहाँ भी लिखना चाहिए था। क्योंकि बात ये है ना कि ये अभी फाइनल कैरियर नहीं पहुंची है, ये अभी ऐसे आप कंफ्यूज सकते हो कि ये ओमेगा सी वही है जो हमें जैसे 98.3 चाहिए तो 98.3 की सेंटर फ्रीक्वेंसी वही है, नहीं वो नहीं है, ये अभी बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी है, तभी हम वन वन का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो तभी यहाँ पे ए सी वन, और यहाँ पे एम वन टी को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एम वन टी जो है वो हमारा एम टी का इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने एम वन टी से डिनोट करा है इसको। एम वन टी जो है वो एम टी का इंटीग्रेशन है। तो भाई ए सी वन एम वन टी साइन ऑफ ओमेगा सी वन टी आ गया। अब आप ये देखो ये किस कैसा है, ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल के जैसा है ना, मैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में देखा था आपको, आप लोगों ने क्या इक्वेशन बनती थी, ए सी एम टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ये इक्वेशन बनती थी। वैसे ही कॉस की जगह यहाँ पे साइन है, तो बस खाली 90 डिग्री फेज शिफ्ट का चेंज है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सब उसमें भी जैसे अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते थे, इसमें भी ऐसे अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड रहेंगे। तो इनका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड, है ना, साइन ऑफ ओम ए सी साइन ओमेगा सी टी इस तरफ था, तो इसीलिए इनके इस तरफ अपर साइड बैंड और इस तरफ लोअर साइड बैंड हो जाएंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, है ना। अगर इनका देखें अपर साइड बैंड का रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा, एक देखो अपर साइड बैंड का एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर होगा, है ना, और अपर लोअर साइड बैंड का भी एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट उधर होगा, क्योंकि अपर और साइड बैंड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, तो ये वाले कंपोनेंट आपस में कट जाएंगे तो रिजल्टेंट खाली इस तरफ इधर वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा इस फेजर का वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड और इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फेजर है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का। अब हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने क्या करा इसके बाद, यहाँ पे तो सी पे तो ये हो गया, फिर हम लोगों ने इसमें कंबाइनिंग नेटवर्क में इसको भी ऐड जोड़ दिया, इसको और इसको साथ में जोड़ दिया, ये जो सी में बन रहा है फेजर इसको उसको साथ में जोड़ दिया। तो भाई क्या होगा, डी पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, तो डी पार्ट में क्या हो जाएगा भाई, है ना। तो डी में क्या होगा, ये वाला ये पूरा इस किससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी देखो सी में क्या आ रहा था, सी में ये चीज बन रही थी रिजल्टेंट, दो साइड दो फेजर बन रहे थे लेकिन उनका रिजल्टेंट केवल ये रेड वाला था, ठीक है, क्योंकि दो फेजर तो बन रहे थे लेकिन उनका रिजल्टेंट केवल ये वाला था। और यहां से क्या आ रहा था, ये ए वाला आ रहा था ये,
ठीक है, अब दोनों कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे, कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ये AC, ये वाला इधर AC1 cos ऑफ ओमेगा CT इस तरीके से गया, और फिर ये वाला फेजर, दूसरा फेजर इधर से, ये वाला फेजर था जो रिजल्टेंट था USB और LSB का, उसको हमने रेड से डिनोट करा। अब इन दोनों के ही रिजल्टेंट, अब इसका और इसका रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा ना टोटल की, इसके जो यहाँ पे आएगा आउटपुट में, तो आउटपुट में जो इनका दोनों का रिजल्टेंट फेजर या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस तरीके से होगा। और जो इसका फेज होगा विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेट कैरियर, अनमॉड्यूलेट कैरियर क्या था, AC1 cos ओमेगा CT, वो क्या है, φT। और हमारा φT होता तो वही था ना, ये फेज जो हम लोग लिखते थे AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस φT, इस तरीके से लिखते थे ना, कि ये हमारा क्या होता था कि विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर कितना फेस होता था, AC cos ऑफ ओमेगा CT इतना ही होता था केवल इसका एंगल, और ये इसका इंस्टेंटेनियस एंगल ओमेगा CT प्लस φT होता था। तो ये जो जो कुछ भी ओमेगा CT प्लस करके जो भी होता था उसको हम लोग φT से नोट करते थे, बोलते थे ये हमारा फेस है विद रिस्पेक्ट टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। तो वही हम लोगों ने यहाँ से करा कि टोटल जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम, उसका फेज हम लोगों ने देखा विद रिस्पेक्ट टू अनमॉडेड कैरियर, तो वो कितना होना चाहिए, वो बस खाली यही होना चाहिए ना, क्योंकि ये फेज विद रिस्पेक्ट टू अनमॉडेड कैरियर कितना होता है, ये क्योंकि अनमॉडेड कैरियर ये था, और ये हमारा सिग्नल बन गया जो भी हमारा AM या FM जो भी है, तो जो कुछ भी यहाँ पे ओमेगा CT प्लस करके जो कुछ भी होता है उसको क्या कहते हैं, फेज विद रिस्पेक्ट टू अनमॉडेड कैरियर। तो ये चीज भी फेज विद रिस्पेक्ट टू अनमॉडेड कैरियर, तभी हम लोगों ने इसको भी φT लिखा है से डिनोट करा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही है, जिसमें भी रिजल्टेंट का फेज विद रिस्पेक्ट टू अनमॉडेड कैरियर। तो ये अब हमें ये जो φT का हम लोग ने फेजर बना लिया, लेकिन अभी इससे ये कहाँ प्रूव हुआ भाई कि जो आउटपुट में जो है वो आपका फेज मॉड्यूलेटर हो रहा है। फेज मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा है, देखो जैसे अब मान लो जैसे ये आपका M1T है, हम अगर M1T के रिस्पेक्ट में अगर फेस मॉड्यूलेट प्रूव कर दिया तो MT के रिस्पेक्ट में अपने आप ही FM वेव निकलेगी, ठीक है। तो हम यही प्रूव कर रहे हैं अभी खाली M1T के रिस्पेक्ट में, कि M1T जो सिग्नल होगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें फेस मॉड्यूलेट वेव मिल रही है। तो M1T का मान लो जैसे कि आपका आपका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, M1T का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की लेंथ की जो फेजर है उनकी लेंथ बढ़ेगी ना, क्यों बढ़ेगी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के फेजर की लेंथ, कोई बता सकता है, क्योंकि जैसे आप अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की जो लेंथ होती थी ना वो म्यू पे, अगर आप डबल साइड बैंड, अब मैंने अभी ज्यादा यहाँ पे नहीं निकाला, लेकिन आप अगर डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर की इक्वेशन याद करो तो वो म्यू पे डिपेंड करती थी, है ना, जो उनका मैग्नीट्यूड होता था अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो मैग्नीट्यूड होता था वो म्यू पे डिपेंड करता था। म्यू क्या होता था, म्यू किस पे डिपेंड करता था, AM पे, AM मतलब मैसर सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा M1T की वैल्यू बढ़ेगी या M1T की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे हमारा USB और LSB की लेंथ भी चेंज होगी, USB और LSB की लेंथ चेंज होगी तो इसके रिजल्टेंट की लेंथ भी चेंज होगी, तो कभी ये रिजल्टेंट कम हो जाएगा, कभी ये रिजल्टेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कभी φT की वैल्यू कम होगी, कभी φT की वैल्यू इतनी होगी, कभी φT की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हमारा MT चेंज होगा वैसे वैसे हमारा φT भी चेंज हो रहा है, φT चेंज हो रहा है तो मतलब कि ये फेस भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारा जो है पूरा ये जो सर्किट है ये फेस मॉड्यूलेटर है, और ये है M1T जो इनपुट सिग्नल है इसका, उसके रिस्पेक्ट में ये M1T का फेस मॉड्यूलेटेड वेव निकाल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर M1T के रिस्पेक्ट में फेस मॉड्यूलेटेड वेव निकाल रहा है तो MT के रिस्पेक्ट में हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव निकाल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें FM वेव मिल रही होगी, तो हमारा काम खत्म यहाँ से, मतलब भी काम खत्म नहीं हुआ, तो ये हमारा यहाँ पे FM वेव मिल रही होगी। उसके बाद हमें मल्टीप्लायर लगाएंगे, मिक्सर लगाएंगे, ताकि हमने जैसे ना ये जो कम फ्रीक्वेंसी है उसको पहले मल्टीप्लाई डबल ट्रिपल करके फिर उसमें एडिशन कुछ करके कुछ फ्रीक्वेंसी ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी तरीके से जो हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों ये फेस मॉड्यूलेटर हो रहा है, क्योंकि ये φT जो है जैसे जैसे हमारा
M1T के मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इसके रिजल्टेंट USB और LSB के फेजर की लेंथ चेंज हो रही है, फेजर की लेंथ चेंज हो रही है तो रिजल्टेंट के फेजर की लेंथ चेंज हो रही है, तो जैसे जैसे रिजल्टेंट की फेजर की लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे फाइ टी भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाइ टी की वैल्यू हमारे M1T के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, जैसे जैसे M1T की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे फाइ टी की वैल्यू भी जो है वो फेज की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो M1T बढ़ेगा तो फाइ टी भी बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि रिजल्टेंट ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, M1T जब कम होगा तो फाइ टी भी कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये फेज मॉड्यूलेटेड वेव है विद रिस्पेक्ट टू M1T। अब जो फेज M1T के रिस्पेक्ट में फेज मॉड्यूलेटेड है तो MT के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होगी MT के रिस्पेक्ट में। अब हम इसमें मल्टीप्लायर मिक्सर का यूज करके किसी तरीके से हमें जो फ्रीक्वेंसी में जो चाहिए सेंटर फ्रीक्वेंसी उस जो फ्रीक्वेंसी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो जितना फ्रीक्वेंसी डेविएशन चाहिए, जितना हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए, उस रिक्वायर्ड वैल्यू पे हम लोग पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मिक्सर पढ़ने वाले हैं। पहले इसको आप देख लो, इसमें मैंने लगभग सब चीज़ें जो लिखी हुई है वो सब मैंने बता दी हैं, है ना। चाहे तो आप नोट कर लो जो मैंने बताया है उसको, इसी भाषा में आप नोट कर लो कि स्क्रीन को पास करके। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में हम लोग क्या करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी को डबल या ट्रिपल करता है। ठीक है, तो कैसे करता है, तो हम लोग पहले डबलर दिखा देते हैं आपको सिंपली, है ना। तो डबलर में क्या करेंगे, एक स्क्वायर ला डिवाइस दिखने होगी। तो जैसे अगर हमने मान लो XT सिग्नल इसमें भेजा था, जैसे ST मान लो cos 2πf1t हम लोगों ने भेजा है, अब हमें क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 हमें चाहिए कि आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी हो 2F1 हो। सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी डबलर का यही काम है कि ये फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे किसी तरीके से। तो अभी हमने नीचे जो आपको दिखा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी डबलर है। ठीक है, जो आपके नीचे ये पड़ रहा है, मतलब अगर जैसे फ्रीक्वेंसी डबलर होता वैसे ही हम लोगों का फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर भी होगा, और मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर भी होगा, एन टाइम्स भी कह सकते हो कि वैसे ही बना सकते हैं। फिर देखो, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस है, स्क्वायर लॉ डिवाइस से क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट होगा वो x²t आएगा। ठीक है, x²t हमारा आउटपुट आएगा, तो x²t को हम लोग लिख सकते हैं cos² ये जो xt था cos 2πf1t था, तो ये स्क्वायर टी का मतलब क्या हो जाएगा, cos² 2πf1t। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos² a को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos 2a/2। वही काम यहाँ पे करा, cos² 2πf1t की जगह हम लोग लिख दिया 1 प्लस cos 2π/2f1t/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा क्या करेंगे भाई, इसको पास करेंगे बैंड पास फिल्टर से, बैंड पास फिल्टर की जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी वो 2F1 के आसपास की होगी, तो 2F1 के आसपास की फ्रीक्वेंसी को तो अलाउ कर देगा, उससे दूर की फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें वैसे भी 2F1 के आसपास की फ्रीक्वेंसी वाला टर्म ये है, और बाकी टर्म है DC टर्म है। अगर कोई मान लो F1 के आसपास की फ्रीक्वेंसी भी होती तो उसको भी ये ब्लॉक कर देता। ठीक है, तो लेकिन इसमें है नहीं, इस केस में है ही नहीं वो काम, तो भाई कुछ कोई बात नहीं है, बस खाली ये वाले टर्म को यहाँ से ये पास करेगा और DC को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे cos 2π/2f1t आ गई आउटपुट में, तो हमारा क्या था, F1 से शुरू करा था और हमें आउटपुट में 2F1 फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं हमारे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, हमें जो फ्रीक्वेंसी मतलब कि डबल या ट्रिपल कर सकते हैं या एन टाइम्स कर सकते हैं। इन जनरल हम लोग डबल और ट्रिपल से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग इन जनरल ऐसे बोल रहे हैं कि एन टाइम कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर इनटू एन करना है, तो अब एक इसमें आप ये चीज़ लिख देख लो, अगर हम लोगों ने कैरियर फ्रीक्वेंसी FC भेजी थी तो वो आउटपुट में कितनी हो जाएगी, NFC हो जाएगी। बीटा हम लोगों ने अगर भेजा था तो आउटपुट में कितना हो जाएगा, एन बीटा हो जाएगा। FM हम लोगों ने जो अगर भेजी थी तो आउटपुट में FM ही रहेगी, जो हमारी मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी थी हाईएस्ट वो वही रहती है। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी हमारा एंड टाइम हो जाता है ना। जब फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड टाइम हो जा रहा है तो बीटा क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफ एम होता है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड टाइम हो रहा है, एफ एम तो वही रह रहा है, तो बीटा भी हमारा एंड टाइम हो जाएगा। तो वही बीटा भी, बीटा अगर यहाँ बीटा था तो एंड बीटा हो जाएगा। और नेक्स्ट की चीज क्या होती थी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम बीटा प्लस 1 एफ एम होती थी। तो यहाँ पे अगर बीटा भी एंड टाइम हो जा रहा है ना, बीटा एंड टाइम हो जा रहा है, तो लगभग लगभग बैंडविड्थ भी हमारी अप्रोक्सीमेटली एंड टाइम हो जाती थी, जो पुरानी बैंडविड्थ थी। तो बैंडविड्थ 2 ऐसे कह सकते हो कि जो बैंडविड्थ जो 2 होगी वो लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग एंड टाइम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बीटा हमारा एंड टाइम हो जाता था ना, बीटा एंड टाइम हो जाता था। तो यहाँ भी 2n अगर हम कॉमन ले लें, ऐसा समझ लो ना जैसे बीटा वाइड बैंड एफएम में क्या होता है, बीटा की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है। तो बैंडविड्थ आप लिख सकते हो कि 2 टाइम बीटा एफएम ही लिख सकते हो, लिख देते हैं सीधे, है ना। होता फॉर्मूला ये है, तो अप्रोक्सीमेटली बैंडविड्थ हमारी यही होती है 2 टाइम बीटा। अब बीटा हमारा एंड टाइम हो रहा है तो बैंडविड्थ भी हमारा एंड टाइम हो जाती है। बस इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब बीटा एंड टाइम हो रहा है तो बैंडविड्थ भी एंड टाइम हो रही है, ठीक है। और या ऐसे कह सकते हो, जब बीटा एंड टाइम हो रहा है तो हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी एंड टाइम हो जा रहा है, क्योंकि एफ एम तो कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये सब चीजें हो गई। ठीक है, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिनोट ऐसे करते हैं कि जैसे कि स्क्वायर है तो फ्रीक्वेंसी डबलर, 3 ऊपर की ओर 3 लिखा है तो फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर, एन लिखा है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है जो कि एन टाइम कर देता है। और एक प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम लोग 3 से ज़्यादा का एन की वैल्यू लें, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर से ज़्यादा की वैल्यू लें, 4 टाइम लें, 5 टाइम लें, है ना, ऐसे वाले लें कि ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बनाए जो 4 टाइम करता हो फ्रीक्वेंसी, जो 5 टाइम करता हो, जो 6 टाइम करता हो, ऐसा इस तरीके के फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बनाने में एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या हो जाती है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसको आप समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी देखो क्या है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ये होता है ना, जैसे कि आपकी एक फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरी और इसी के मल्टीप्लायर की फ्रीक्वेंसी आ जाती है 2 टाइम 3f 4f 5f, है ना, इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज भी आ जाती हैं आउटपुट में, है ना। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, उनके कारण जो इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन होता है वो हमारा चाहिए, हमारा क्या कहते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो हम लोग कुछ भाई अगर चाहिए था केवल 4f आउटपुट में फ्रीक्वेंसीज, F2F 3F 4F 5F, इनके कारण ये सारी फ्रीक्वेंसीज भी आ जाती हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होने लगता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि खाली डबलर और ट्रिपलर बहुत ज़्यादा होने लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसके कारण हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अगर बैंड पास फिल्टर अच्छा ना हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि और अगर जैसे और क्या होता है ना कि बैंड पास फिल्टर हमें बहुत ही अच्छी वो रखना पड़ता है उसके लिए, वरना वरना हमारा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आने लगेगा। और तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि भाई डबल और ट्रिपलर ही यूज़ कर लो, उसी कोई कास्केड में कर लो। क्या करते हैं हम लोग, डबल और ट्रिपलर ही यूज़ कर लेते हैं, उन्हीं को कास्केड में रख लेते हैं। अब जैसे हमें 6 टाइम करना है तो हम लोग सीधे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हम लोगों ने एक सीधे 6 टाइम करने की जगह, है ना, सीधे 6 टाइम करने की जगह हम लोग एक क्या करेंगे, एक डबलर ले लेंगे और एक ट्रिपलर ले लेंगे और दोनों को कास्केडेड में कर देंगे, ठीक है। तो कास्केड में कर देंगे इसका आउटपुट इसमें, ठीक है। तो हमारा सीधा पूरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल 6 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से कर देते हैं कि फ्रीक्वेंसी मल ऊपर ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हमारी 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा बड़ा अगर ना ले, और क्या कर रहे हैं कि डबलर और ट्रिपलर का यूज़ करके ही अपना काम चला लें किसी तरीके से, उनको कास्केड में कर लेते हैं। तो
इसी तरीके से अपना काम चला लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज हो गई है कि अब लेकिन अब हमेशा काम नहीं चल पाता है भाई, है ना। अब कुछ ना कुछ जैसे कि आ जाता है, जैसे कि आपको मान लो आ गया कि 90 पे आपने डबल, अब मान लो कोई फ्रिक्वेंसी थी आपने डबल और ट्रिपलर करके 90 MHz पे पहुंच गए, लेकिन आपको उसको पहुंचाना है 98.3 MHz पे, है ना, 98.3 MHz पे। अब अगर हम डबलर यूज करेंगे तो हमारा 180 MHz हो जाएगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 8.3 MHz की फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग मिक्सर यूज करते हैं, या ऐसे समझ लो कि 100 MHz, हम किसी तरीके से 100 MHz पहुंच गए, लेकिन हमें चाहिए था 98.3 MHz, ठीक है। तो इस किसी तरीके से हम इसमें से 1.7 MHz फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे। तो घटाना, कोई छोटा मोटा चीज को घटाना या ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, उसके लिए हम लोग मिक्सर यूज करते हैं। मिक्सर क्या करेगा, ये हमारा अप कन्वर्जन भी कर सकता है, डाउन कन्वर्जन भी कर रहा है। अब डाउन कन्वर्जन कब कर रहा है, जैसे कि आपका 90 MHz है, तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं 8.3 MHz, तो हमारा 98.3 MHz बन रहा है। और इसमें हम लोग -90 MHz में का आउटपुट में हमें एक और कंपोनेंट मिलेगा, वो होगा 90 -8.3 MHz। ये दोनों ही काम करेगा। अगर हमने एक मिक्सर में इधर तरफ 90 लगाया और इधर तरफ 90 MHz की फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट लगाया, इधर तरफ हमने 8.3 MHz की फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसमें आपका 98.3 MHz भी होगी, और 90 में से 8.3 माइनस करो तो कितना बचा, 82.7, है ना, नहीं 81.7, 81.7 MHz वाला कंपोनेंट भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 81.7 MHz वाला कंपोनेंट भी होगा और 98.3 MHz वाला कंपोनेंट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब उसको हम लोग कौन सा चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैंड पास फिल्टर लगा देंगे। अब 98.3 पे लगा दिया तो हमारा आउटपुट में जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो 98.3 MHz आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। हम लोग मिक्सर एक नॉन लीनियर डिवाइस है जिससे हम लोग हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, मॉड्यूलेटर सिग्नल फ्रिक्वेंसी का को चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है, उसको उसके बाद एक बैंड पास फिल्टर होता है। अब ये कैसे चेंज करता है वो हम लोग बताने, मैं आपको एक वो दिखाता हूँ इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो जैसे एक हम लोगों ने M2T लिया, AC cos 2π F1T, एक हम लोगों ने लिया सिग्नल cos 2π F2T, ठीक है। तो ये F1 और ये F2 दो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हम लोगों ने एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पास करे। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से जब हम लोगों ने पास करे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, AC cos 2π F2T cos 2π F1T। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो AC/2 cos 2π F1+F2, तो हमें F1+F2 वाला कंपोनेंट मिल गया और एक हमें मिल गया F1-F2। अब हमें कौन सा चाहिए है, हम लोग को 90+8.3 वाला चाहिए यानी 98.3 वाला चाहिए, या 90-8.3 वाला चाहिए यानी कि 81.7 वाला चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग, हमें दोनों कंपोनेंट मिल गए प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में फ्रीक्वेंसी के, तो उस हिसाब से हम लोग बैंड पास फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी को रख देंगे। तो जैसे कि अगर 98.3 वाला चाहिए तो हमें 98.3 वाला फिल्टर आउट हो जाएगा, या जैसे कि अगर हमने F1+F2 के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी रखी है तो ये वाला जो होगा वो कंपोनेंट वो फिल्टर आउट हो जाएगा, और अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को F1-F2 के आसपास रखी तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा फिल्टर आउट होकर आउटपुट में आ जाएगा। तो ये अप कन्वर्जन भी कर सकता है, डाउन कन्वर्जन भी कर सकता है हमारा मिक्सर, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि F1 और F2 है, तो इसमें F1+-F2 दोनों मिल सकते हैं, और जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से हमें हमें वो करते हैं, मतलब कि आपका उस हिसाब से हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आ जाती है इमेज फ्रीक्वेंसी की। इमेज फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि एक मिक्सर था हमारा पास, हाँ, या यही डायग्राम्स देख लो, ठीक है। तो
एक भाई यहाँ पे हमारा 90 मेगाहर्ट्ज जा रहा था, यहाँ पे 8.3 मेगाहर्ट्ज जा रहा था। तो हमें क्या मिल रहा था यहाँ पे, 98.3 मेगाहर्ट्ज मिल रहा था और 81.7 मेगाहर्ट्ज भी मिल रहा था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल रही थी। फिर हम लोगों ने बैंड पास फिल्टर से यूज़ करा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने 98.3 मेगाहर्ट्ज के आसपास की रखी थी सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो हमें 98.3 मेगाहर्ट्ज वाले कंपोनेंट को ये फिल्टर आउट कर देगा और इस वाले कंपोनेंट को वो स्टॉप कर देगा, कि क्योंकि इसका पास बैंड हम लोगों ने पास बैंड की जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो हमने इसके आसपास रखी, तो 98.3 मेगाहर्ट्ज वाले फिल्टर को को पास कर देगा। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर दी है। अब एक और फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 90 प्लस 2 टाइम 8.3। ये फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कितना हो गया, 16.6 है ना, 3 2 6 और ये 16.6, 90 प्लस 16.6 कितना हो गया आपका, ये 6, ये हो गया 1060, 106.6। अब क्या हुआ कि मैं एक 90 मेगाहर्ट्ज की जगह पे ये वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है, 106.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, 98.3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी, 106.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही थी। तो कुल मिला के उस समय इसको, इस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देना चाहिए था। मतलब कि अगर हमने कोई इस तरीके का हमने प्रोडक्ट मॉनिटर बैंड पास फिल्टर का हमने बनाया है काम, है ना, तो 106.6 उसको नहीं करना है, उसको केवल 90 मेगाहर्ट्ज वाले को 8.3 में जोड़ना था। लेकिन दूसरी फ्रीक्वेंसी आई 106.6 मेगाहर्ट्ज की, 106.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई, तो क्या हुआ, एक बार इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें 98.3 मेगाहर्ट्ज मिल गया। 106.6 में आप सब्ट्रैक्ट कर दो 8.3 को तो 98.3 मिलेगा, और एक बार उसने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 6 3 9 8 6 14, 114.9 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी हमें फिर मिली, है ना। और बैंड पास फिल्टर 98.3 मेगाहर्ट्ज का था और उसने 98.3 मेगाहर्ट्ज को पास कर दिया। ठीक है, इसने 98.3 को पास कर दिया। तो भाई 90 मेगाहर्ट्ज पे भी आपको ये आउटपुट में 98.3 मेगाहर्ट्ज दे रहा है, और 106.6 मेगाहर्ट्ज पे भी हमें आउटपुट में 98.3 मेगाहर्ट्ज सेंटर फ्रिक्वेंसी दे रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या था कि 90 वाले को ये पास करे, 106.6 वाले को ये रिजेक्ट कर दे। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसमें हम लोग एग्जैक्टली हमें 98.3 वापस मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी हो जाती है जिसको हम लोग निकालते हैं F1 प्लस 2F2 से या F1 माइनस 2F2 से, है ना। तो ये हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी होती है ना। और इमेज फ्रीक्वेंसी के कारण क्या हो जाता है कि जैसे कि ये मिक्सर में अभी प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा कुछ, मिक्सर से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर मान लो आपका जैसे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, ये ट्रांसमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मान लो, चलो हाँ, ये ट्रांसमिट में ये हो सकती है कि भाई आपने 90 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमिट करना था, आपने 106.90 मेगाहर्ट्ज पे जो सिग्नल था उसको आपको 98.3 मेगाहर्ट्ज पे करना था, लेकिन आपने 106.6 मेगाहर्ट्ज पे कोई दूसरा सिग्नल था उसको भी आपने 98.3 मेगाहर्ट्ज पे कर दिया, है ना, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन रिसीवर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। रिसीवर में ये प्रॉब्लम है, हमें रिसीव करना था 98.3 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल, है ना, तो और मतलब जो हम लोगों ने यहाँ से भेजा 90 मेगाहर्ट्ज से जो हम लोगों ने भेजा था वो वाला सिग्नल रिसीव करना था, लेकिन रिसीवर ने 106.6 मेगाहर्ट्ज वाला जो 98.3 मेगाहर्ट्ज पे चला गया तो वो रिसीव कर लिया। या एक दूसरी तरीके की प्रॉब्लम ये समझ सकते हो कि जब सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जब पढ़ोगे, है ना, तो सुपर हेटेरोडाइन में भी हम लोग एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लोग, मैं क्यों बता रहा हूँ इतना ज़्यादा डिटेल में, तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जब पढ़ाऊंगा तब इमेज फ्रीक्वेंसी में डिटेल में पढ़ाऊंगा।
अभी बस खाली ये अभी इस समय मिक्सर में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इमेज फ्रिक्वेंसी, बस खाली आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज फ्रिक्वेंसी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिसीवर में, जब सुपर रेटोडाइन रिसीवर में क्या होगा कि एक इन बीच की एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो वो उस में कन्वर्ट करने के लिए कल क्या होता है कि इमेज फ्रिक्वेंसी में भी वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेन सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी पे भी उसी फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई ये मेन फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल आया है कि दूसरी फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल आया है। तो ये अभी आपको मुझे मालूम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप ज़्यादा उसको मत देखो, बस खाली अभी आप ये देखो कि मिक्सर में हम लोग अप कन्वर्जन भी कर सकते हैं, डाउन कन्वर्जन भी कर सकते हैं, मतलब F1 प्लस माइनस F2 भी हो सकता है, F1 माइनस F2 भी हो सकता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया उसको, अभी ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग में एक इमेज फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें 90 MHz वाले सिग्नल को 98.3 पे करना था, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि 106.6 वाला मेगाहर्ट्ज वाला सिग्नल भी 98.3 MHz पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि और इमेज फ्रिक्वेंसी इस पे निकाल सकते हैं F1+2F2 या F1-2F2 से, ठीक है? तो ये बस खाली, इससे ज़्यादा आपको अभी मिक्सर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो, फालतू में कुछ चीज़ें ज़्यादा बता देता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन देख लो। एक फेस मॉड्यूलेटर सिस्टम है, जिसका कैरियर ये दिया हुआ है। हम लोगों ने इसकी बैंडविथ निकाली है, YT=MW Waveform 3 बाई कार्सन अप्रोक्सीमेशन बैंडविथ अराउंड 300 MHz, और स्पेक्ट्रल, अरे यार, स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। देखो, आपका बैंडविथ होगी ना, वो ये चीज क्या है ना, ये आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर है, ये आपका फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर है, ठीक? तो अभी आपकी जैसे अगर बैंडविथ आपकी दी हुई है 1 MHz, है ना, 1 MHz बैंडविथ दी हुई है, तो बाद में बैंडविथ कितनी हो जाएगी, 3 MHz। और जो हमें साइनसोइडल सिग्नल दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी FM की वैल्यू दी हुई है 5 KHz, तो जब हम लोग इससे पास करेंगे फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर से, तो आउटपुट में जो FM होगा वो भी 5 KHz, क्योंकि FM हमारा सेम रहता है ट्रिपल, मतलब है। और कैरियर फ्रीक्वेंसी जो अभी 100 MHz थी, वो हो जाएगी हमारी 300 MHz पे हो जाएगी, ठीक? और स्पेसिंग, ये तो हमें पता चल गया कि आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर से जो पास करेंगे, तो आउटपुट में जो कैरियर फ्रीक्वेंसी वो ये होगी, बैंडविड्थ ये होगी, और FM ये होगा, ठीक है? चाहे FM लिखा हो चाहे PM लिखा हो, अगर हमने ये FM और PM से एक्चुअली यहाँ पे मतलब भी नहीं है, है ना? इन्होंने बोल तो दिया कि PM सिस्टम है, लेकिन अब ये देखो क्या है कि बैंडविड्थ उन्होंने बताया कि ये थी। अब हम लोगों ने क्या करा है कि इसको एक फ्रिक्वेंसी ट्रिपलर से पास करा, तो फ्रिक्वेंसी ट्रिपलर वाली जो मल्टीप्लायर वाली कंडीशन सब लगाएंगे। देखो, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर पे इस पे सारी कंडीशन लगाते हैं ना। देखो, कैरियर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एन टाइम हो जाती है, बीटा हमारा एन बीटा हो जाता है, FM वही रहता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमारा एन टाइम हो जाता है, बैंडविथ हमारा एन टाइम हो जाती है, ठीक है? यही सारी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी, तो FM हमारी 5 KHz जाती है। और स्पेसिंग जो होती है स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के बीच में, वो क्या होती है, FM होती है, ठीक है? आप लोग ने देखा होगा कि जो हम लोगों ने जो स्पेक्ट्रल डायग्राम बनाया था, उसमें जो स्पेसिंग होती थी जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के बीच में, वो FM के बराबर होती थी, है ना? तो जो स्पेसिंग होती है स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती थी, तो वही यहाँ पे भी रहेगी। स्पेसिंग बिटवीन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट जो होगी वो FM के बराबर होगी। तो FM लोग सोचेंगे कि FM की वैल्यू भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 हो जाएगा, लेकिन FM की वैल्यू 5 ही रहेगी फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर से पास करके। तो स्पेक्ट्रल स्पेसिंग बिटवीन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट जो होती है वो FM के बराबर होती है, 5 KHz रहेगी, ठीक है? जो रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भैया कुछ ये इस तरीके से दिया हुआ है कि आपकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, डबलर से पास कर दिया, ट्रिपलर से पास कर दिया, 6 से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करा जो 6 टाइम करता हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत आती हैं,
आपके क्वेश्चनों में कि भाई कितनी फिर वो हो जाएगी, बैंडविड्थ कितनी होगी, एफएम कितनी हो जाएगी, बीटा कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन कितना हो जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप करना आप सीख जाओगे, है ना, कोई कठिन बात नहीं है। चलो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे लेक्चर नंबर 41 से लेके 51 तक के जितने भी मैंने रिकॉर्ड करे थे सब डिलीट हो गए हैं, मुझे फिर से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, सब डिलीट हो गए हैं। और मैं तो सोचा कि वो पड़े हुए थे और पता नहीं क्या से कैसे डिलीट हो गए हैं मुझसे, और तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे वो। और मैं तो यहाँ आगे के रिकॉर्डिंग करने लगा था, ये तो लेक्चर नंबर 55 या 56 है। ठीक है, तो मैं ये वाला रिकॉर्ड करके, मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके फिर से दोबारा से वो वाले रिकॉर्ड करूँगा। तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी हमें सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जो शेयर करें, अगर आपको मुझे पढ़ाया हुआ पसंद आता है, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सके तो प्लीज़ हमारी फाइनेंशियली हेल्प करें, जिससे कि हम ये काम, अभी मुझे एक दो दो जॉब करके मैं साथ में ये काम कर रहा हूँ तो और धीमे धीमे हो पा रहा है। तो अभी हो सकता है कि अगर थोड़ा आप फाइनेंशियली हेल्प करें तो हो सकता है मैं कि यही काम करने लगूँ, और फिर बाद में और ज़्यादा हुआ तो मैं और फैकल्टी को हायर करके और उनसे भी मतलब कि वीडियो बनवा सकूँ, तो जिससे कि क्या होगा कि और आपके सभी सब्जेक्ट्स के और सभी ब्रांचेस के जो हैं सब काम, मतलब कि मेरा मेन तो काम मकसद यही है, यही सपना है किसी तरीके से काम करने का, किसी सबको फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन, फिर बाद में बच्चे की मेहनत है ना। हमें अपनी तरफ से पार्शियलिटी नहीं रखनी है इस युग में, यूट्यूब के युग में, इंटरनेट के युग में, कि आईआईटी वाले को अच्छा पढ़ाने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है और उसको नहीं मिल रहा है, या शहर के बच्चों जिनके पास कोचिंग जाने का है उनको अच्छा मिल पा वो अच्छा पढ़ पा रहे हैं, और जो बेचारे जो ऐसे कॉलेज में है जो मतलब कि शहर से दूर है तो वो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि फैकल्टी तो हर जगह सबको मालूम है कैसी होती है, पढ़ाई कैसी होती है वो। तो अगर आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करें मुझे फाइनेंशियली तो बहुत ही अच्छा आपका मतलब रहेगा, कि अब देख लो यार कि जो बच्चे आजकल नर्सरी में भी पढ़ते हैं ना, उनकी उनको भी आप 300-400 से कम नहीं कोई मतलब पढ़ाता है ट्यूशन। तो अगर आप, मैं ये काम फ्री में कर रहा हूँ तो आप, मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा हेल्प करो, सपोर्ट करो, तो ये काम और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करने के लिए, आप मेरी ये वेबसाइट है www.appreceptorson.com पे जाके सपोर्ट नाम का पेज है, उसमें हजारों तरीके हैं सपोर्ट करने के, ये आपका गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, है ना, इंटरनेट बैंकिंग, हजारों तरीके हैं, है ना, फोन पे, तो पेपल, इससे बहुत सारे तरीके हैं, जिससे जो भी आपको सूट लगे उस तरीके से आप फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वरना हमारा ये जो चैनल है, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो भाई प्लीज़ आप हमारा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब कराया तो हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों में, टीचर में, सबसे शेयर करें, तो यही आप हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। विद्यादयानि दुःखहरणि जगत जननि माता सरस्वती शारदा सरस्वती शारदा।